हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये शिमला मिर्च की और आलू की सब्जी रखी हुई है, मतलब कटिंग की हुई है मैंने। मैं ये सब्जी बना रहा था तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं व्यूवर्स के लिए एक अच्छी वीडियो बना दूँ कि जो कि हम घर में ही शिमला मिर्च के बीज कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसे कैसे आसानी से घर पर ही लगा सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट में अगर आप जाकर परचेज़ करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, 50 से 100 रुपीज़ तक का पैकेट मिलता है आपको, जबकि होती है वो यही चीज़ है। तो आज मेरा वीडियो ये एक मेरे व्यूवर्स हैं जो ये जानना चाहते थे कि हम अपने घर के अंदर जो सब्जियां होती हैं उनको अपने घर में ही कैसे सीड के साथ लगा सकते हैं। तो ये ख़ास तौर पर ये उन्हीं के लिए है ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये सीड्स यहाँ पर ये निकाल लिए हैं। इसमें कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं होती, सीड तो सीड ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल सीड से खाली कर दिया है, बाकी सारे सीड ये आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ कोई दुकान तो खोली नहीं है या कोई शिमला मिर्च का बिजनेस तो करना नहीं है, अपने गमलों में अपने पॉट्स के अंदर हमने इसको लगाना है। तो हम अगर हमारे 4-5 पौधे भी लग जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए अब हम इसको ग्रो करने का आपको टेक्निक बताते हैं कि इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने ये मैंने एक मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था, प्लास्टिक का है ये। तो मैंने इसके अंदर ये बालू रेत जो कि अपने घर बनाने के अंदर काम आती है ये वो है, और मैंने इसके अंदर कुछ नहीं मिलाया है। तो मैं आपको पहले यहाँ बता देने देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एक बात कि आपको अगर सीड जो भी जर्मिनेट करना है, अगर आप सीड के द्वारा प्लांट को ग्रो करने वाले हैं तो आपको या तो वो कोकोपीट के अंदर, कोकोपीट मीन्स कि नारियल का बुराता, जो हम नारियल खाते हैं वेस्ट जो उसके ऊपर का ब्राउन ब्राउन छिलका होता है, जब हम उसको रगड़ेंगे आपस में ना तो उसके नीचे वो बुराता इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, या तो आप उसके अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसको बालू रेत के अंदर, क्योंकि सीड बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको जर्मिनेट करने में ज़्यादा पावर ना यूज़ करनी पड़े, इसलिए आपको उसको एक ऐसी हल्की चीज़ में लगाना चाहिए जिससे कि अंकुरित होते वक्त वो प्लांट बिना किसी जोर मशक्कत के बाहर आ जाए। अदरवाइज ऐसा होगा क्या कि आपके कुछ सीड्स तो बेकार हो जाएंगे, कुछ जर्मिनेट होंगे कुछ नहीं होंगे, और जो होंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको बालू रेत का या कोकोपीट का, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है। वैसे मेरे पास अभी कोकोपीट अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज कोकोपीट के अंदर ही आपको हर सीड को जर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये मिर्च के बीज जो हैं कितने ही बारीक हैं। इनको अगर हम मिट्टी में लगा देंगे, जो हमारी गार्डन की मिट्टी होती है, गार्डन की मिट्टी के अंदर, तो ये जब अंकुरित होने लगेंगे तो मिट्टी हैवी होती है तो इसको बाहर आने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें इसको एक ऐसी हल्की चीज़ में लगाना चाहिए जिससे कि ये जर्मिनेट होने में इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ चुके होंगे। और आप देख सकते हैं ये जो हमने शिमला मिर्च के बीज निकाले थे, मैंने इनको छाया में सुखा लिया है 2-4 घंटे के लिए। और आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाले सीड, जो ये वाले सीड हैं ये हैं हरी मिर्च के। तो पौधे देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, तो इसमें डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल है जब ये छोटे होते हैं तो, क्योंकि ये हरी मिर्च है और वो शिमला मिर्च है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस चीज़ के 2 पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पर आइडिया से, जैसे कि मैंने कि ये लाइन लगा ली है, ठीक है। इस तरफ हम लगाएंगे शिमला मिर्च या इस तरफ, दोनों में से एक एक तरफ कर लेंगे। उससे पहले एक मैं स्प्रे बोतल से, जब भी आप कोई सीड लगाएं तो आपके पास ऐसी एक स्प्रे बोतल होनी चाहिए जो कि मार्केट से 50 रुपीज़ में मिल जाता है ऊपर का। नीचे आप देख सकते हैं ये थम्स अप या कोक की या पेप्सी की, आप कोई भी बोतल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको स्प्रे करके यहाँ गीला कर लूँगा इसको अच्छे से,
अच्छे से मीन्स मतलब ये है कि जो मैं सीट डालूँ उसके ऊपर तो वो टिक जाए। ठीक है, ये अभी सफिशेंट है, पर मैं थोड़ा और डाल देता हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ पानी इसके अंदर। फर्स्ट टाइम तो आप अच्छे से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, नीचे तक पानी बैठ जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मार्केट से कोई भी सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई अलग से सीड नहीं आते हैं, वो भी सीड ऐसे ही होते हैं। मगर आपको सीड ग्रो करने से पहले जो बारीक सीड है, बारीक बीज है जो आप किसी चीज़ में से निकालते हैं, मिर्च का हो सकता है, शिमला मिर्च का हो सकता है, टमाटर का हो सकता है, या किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसको बैंगन वगैरह के बीज जो होते हैं काफ़ी बारीक होते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ उसको कुछ घंटे छाया के अंदर सुखा लेना अच्छे से। उसके बाद आप इसको ग्रो कीजिए तो आप उसका रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। तो ये देखिए, आपने मैंने इसके अंदर पानी दे दिया है। अब मैं ये सीड्स जो हैं इसके अंदर डालता हूँ। ये शिमला मिर्च के हैं सीड जो मैं डाल रहा हूँ। मैं इसके ऊपर ऐसे ही बिखेर दूँगा जो ये मैंने लगाया है। तो आपने इस तरीके से इसके ऊपर ये सीड बिछा देने हैं। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस तरफ हरी मिर्च के जो बीज है मेरे पास, मैं वो बिछाने वाला हूँ, जो कि शिमला मिर्च के बीज से काफ़ी बारीक हैं। इनको भी मैंने छाया के अंदर सुखाया है। ये अच्छी क्वालिटी की मिर्च है, जो कि हम कह सकते हैं कि कड़वी नहीं होती, ये वो वाली मिर्च है, इसलिए मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ। बाकी जो तीखी मिर्च है वो मेरे पास पहले ही ऑलरेडी उसके कई प्लांट लगे हुए हैं, उसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ आपको जितने भी वीडियो बनाकर डालता हूँ सब आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। अगर आपको गार्डनिंग करने का शौक है घर के अंदर, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप उसे देखकर तुरंत सीख सके और आपको पता चल सके कि हम घर पे ही इनका कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे इनका इलाज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास ये कुछ सूखी हुई यही बालू रेत है, मतलब कि जो हम उसको घर में जो बनाने वाले में रेता बोलते हैं, तो इसको मैं इसके ऊपर हल्का हल्का डाल दूंगा, हल्का हल्का अपने हल्के हाथ से ना इसके ऊपर डाल देंगे आप। फ्रेंड्स, आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसके ऊपर ज़्यादा मोटी तह नहीं लगानी है, जिससे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको जर्मिनेट करने में प्रॉब्लम ना हो। इसको जोर बिल्कुल ना लगाना पड़े, मतलब हल्की सी एक लेयर लगा दें, मतलब ढकने के लिए सिर्फ, ओनली कवर करने के लिए, कि इसके अंदर जो हीट है थोड़ी सी बनी रहे, ज़्यादा आपको इसके अंदर नहीं डालनी है। मेरी बात को ध्यान रखिए, अगर आपने ज़्यादा डाल दी तो आपका ये सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बीज काफ़ी बारीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं डाली है, आपको देखने में शायद ऐसा लग रहा होगा, और मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने थोड़ी ही डाली है, क्योंकि बाकी ये देखिए आप, ये छोटा सा मक्का था उसमें से भी बच गई है, पहले ही आधा था, ये आधा केजी का डिब्बा था। अब इसके ऊपर आपने पानी हाथ से नहीं छिड़कना बिल्कुल भी, आपने खाली स्प्रे करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपने एक दो छह स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो हमारी सूखी हुई मिट्टी है वो भी गीली हो जाए, ऊपर ऊपर की जो भी हमने डाली है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कितना इजी है करना, और आप देखेंगे इसके अंदर कुछ दिन में ही प्लांट्स हफ्ते से 15 दिन के बीच के अंदर ये किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं। इनका टाइम पीरियड यही होता है हफ्ते से 15 दिन का, मोस्टली 10 से 15 दिन होते हैं, कई कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हफ्ते में भी अपना ग्रो हो जाते हैं।
अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं या मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपकी जवाब जरूर दूंगा परेशानी का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा कि हम कैसे बीज को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।